বিশ্বের দরবারে এবার সম্মানিত দুর্গাপুরের চিকিৎসক। আমেরিকার বোস্টনে ভূষিত হলেন দুর্গাপুরের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর প্রবীণ যাদব। আমেরিকা একাডেমি অফ নিউরোলজি সংস্থার তরফ থেকে ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। সংস্থার তরফ থেকে বুধবার মেইল মারফত জানানো হয় চিকিৎসককে। দুর্গাপুরের বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ চিকিৎসক ডক্টর প্রবীণ যাদব বিগত এক দশক ধরে দুর্গাপুরের বুকে সুনামের সঙ্গে চিকিৎসা করে চলেছেন। বহু রোগী তার পরিষেবায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে বিবেকানন্দ হাসপাতাল সহ একাধিক জায়গায় তিনি চিকিৎসা করেন। দুর্গাপুরের ফুলঝোড় মোড়ে তার একটি ক্লিনিকও রয়েছে। সম্মান পেয়ে আপ্লুত তিনি। আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজি यानी विश्व के सबसे बड़ी न्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट हैं विश्व के सभी देशों से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रति साल लोग जो डॉक्टर्स अपने फील्ड में उन्नतम काम करते हैं, प्लस जो सर्विस देते हैं अपने काम के सिवा, जो एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं पब्लिक को या दूसरे डॉक्टर्स को, जूनियर्स को कैंप्स करके या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या फिर मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम करके जो न्यूरोलॉजी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली एरियाज़ में जहाँ पे न्यूरोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, तो इनमें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल विश्व भर से नॉमिनेशंस हुई हैं इस अवार्ड के लिए, और इस साल ये अवार्ड मुझे यानी डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव, मैं जो दुर्गापुर में लास्ट 9 से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये अवार्ड मुझे मिला है मेरे सर्विस और बाकी जो ट्रीटमेंट है बहुत सारे क्राइटेरिया के अनुसार, ये अवार्ड मुझे इस साल मिला है। इंडिया से कितने लोगों? इंडिया से ये जो सेक्शन है वॉलंटरी सर्विस अवार्ड, ये मुझे सिर्फ मिला है इस साल। दुर्गापुर थेके खड़ी खुशी रिपोर्ट, एनएम न्यूज। आरो खबरेर अपडेट पेते सबस्क्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी, आर बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।